कोलकाता में एक ट्रेन डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल में 9 अगस्त की घटना वाली रात सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें आरोपी संजय राय हॉस्पिटल के 14 तले पर चेस्ट डिपार्टमेंट की सेमिनार हॉल में जाता दिख रहा है। फुटेज के अनुसार दरिंदा सुबह 4:03 पर कॉरिडोर होते हुए क्राइम सीन पर पहुंचता है और लगभग 4:32 पर वहां से बाहर निकलता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि वो 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में था। जब बाहर निकला तो वह हड़बड़ाया सा दिख रहा था। फिर वह दोबारा सेमिनार हॉल के अंदर घुसता है और जब बाहर निकलता है तब उसके गर्दन से नेक बैंड मिसिंग रहता है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो भी नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें आरोपी संजय राय 4th फ्लोर के कॉरिडोर से जाता दिख रहा है। सेमिनार हॉल में जाते समय उसके गले पर हेडफोन लगा हुआ था और हाथ में हेलमेट था, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसके गर्दन में हेडफोन नहीं था। पुलिस ने बताया कि हेडफोन डॉक्टर के शरीर के बगल में बरामद किया गया है, जिसकी वजह से संजय राय की गिरफ्तारी हो पाई। कुछ थ्योरी ऐसी भी है कि वह लगभग 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहा, इसी दौरान उसने जूनियर डॉक्टर से हैवानियत की। यह सीसीटीवी फुटेज संजय के अंदर जाने का जारी किया गया है, लेकिन उसके बाहर निकलने का फुटेज अभी जारी नहीं किया गया। आरजीकर अस्पताल में फुटेज में दिख रहे संजय के हाव भाव से पता चलता है कि मानो वह पीड़िता डॉक्टर की तलाश कर रहा हो। वह चेस्ट डिपार्टमेंट से जब गुजर रहा था तब वह बाकी के कमरों में झांकता हुआ दिख रहा था, मानो उसकी तलाश कर रहा। इधर उधर घूमने के बाद वह सेमिनार हॉल में घुसा, जहां पर ड्यूटी के दौरान जूनियर डॉक्टर रेस्ट करने पहुंची थी। बता दें, आरजी के इस मामले में जांच अपने हाथों में लेने के बाद सीबीआई ने आरोपी संजय को हिरासत में ले लिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी संजय राय की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। वही सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 4 अन्य लोगों, जिसमें 2 रेजिडेंट, 1 ट्रेनी डॉक्टर और 1 वार्ड बॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मिली है। जांच एजेंसी को 2 फिंगरप्रिंट मिले हैं, जहां पर डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है। जांच एजेंसी इन सभी कड़ी को जोड़ते हुए इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।